हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एंड लव पॉइंट। साथ ही बच्चों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 3 इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास 7 के लिए। आज के वर्कशीट में हमें सेंटेंसेस को पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड देयर नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म को भी ध्यान से पढ़ना है। तो तीन तरह के सेंटेंस है, देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव में हम देखते हैं फर्स्ट लाइन है ही प्लेज, यहाँ से पढ़िए ही प्लेज, और यहाँ पर क्या हो गया ही डज नॉट प्ले, नेगेटिव सेंस है ना, वो खेलता है वो नहीं खेलता। डज ही प्ले, क्या वो खेलता है। इंटरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें नॉट इंक्लूड होता है। नेक्स्ट देखिए आई ईट मैंगोज, ईट मैंगोज, आई डू नॉट ईट मैंगोज, डू आई ईट मैंगोज। आप देख रहे हैं यहाँ पे ईट आया, यहाँ डू नॉट ईट आया, और यहाँ पे डू डू पहले क्वेश्चन मार्क आगे आ गया, फिर सब्जेक्ट और फिर ईट आया। तो ये चेंज आप सेंटेंस में देख रहे हैं, मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। पूजा राइट्स अ लेटर, पूजा राइट्स अ लेटर, पूजा डज नॉट राइट अ लेटर, राइट्स राइट, डज पूजा राइट अ लेटर। दे स्विम, वे तैरते हैं, दे डू नॉट स्विम, वे नहीं तैरते। डू दे स्विम, द बेबी क्राइज, बेबी चिल्लाता है रोता है। द बेबी डज नॉट क्राई, डज द बेबी क्राई, क्या बेबी क्राई करता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप इस सेंटेंस इंटरोगेटिव में क्या आता है, और ये सिंपल सेंटेंस है पहला वाला, दूसरे वाले में नॉट या नहीं वर्ड आता है। चलिए वी यूज डू डज एज हेल्पिंग वर्ब, हम डू या डज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब की हेल्प कर रहे हैं। टू फॉर्म नेगेटिव, नेगेटिव बनता है और इंटरोगेटिव बनता है, जैसे डू या डज आया था, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब का यूज है, ये एग्जांपल है डू या डज हेल्पिंग वर्ब, और ये नेगेटिव फॉर्म इंटरोगेटिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। आई वी दे यू प्लूरल नाउन, इन सबों के साथ, प्लूरल नाउन मतलब एक से ज्यादा के साथ हम यूज करेंगे डू, एंड ही शी और सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करेंगे डज। क्लियर है? तो क्वेश्चन देखिए, लेट्स मेक सम मोर सेंटेंसेस। डेविड डज नॉट लाइक क्रिकेट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेविड को क्रिकेट पसंद नहीं है, ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है ना। देखिए सेकंड सेंटेंस है, आप देखेंगे तो नेगेटिव, इसमें नॉट आ रहा है कहीं ना कहीं, और डेविड सिंगुलर नाउन है, उसके साथ डज लग रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा डू यू लाइक कॉफी, क्या आपको कॉफी पसंद है, क्वेश्चन भी लगाया है और पूछा भी जा रहा है। डू यू मेक कॉफी, क्या आप कॉफी बनाएंगे, कॉफी बनाएंगे पसंद नहीं, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये माय कैट डज नॉट लाइक नेगेटिव आ गया, फिर से डू दे इंटरोगेटिव आ गया, हमने सेंटेंस को रीड किया नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों। चलिए हम ब्लैंक्स करते हैं। Does the boy work hard? सबसे पहली बात तो स्टार्टिंग में ही क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये इंटरोगेटिव की निशानी है, साथ में क्वेश्चन मार्क। द बॉय सिंगल नाउन है, एक के लिए क्या आता है, डू या डज, अब यह डू या डज ही तो लगाना है, यहाँ पे लगेगा डज, फिल इन द ब्लैंक्स में डू या डज भरना है, तो यह डज आएगा। सेकंड है दे डज नॉट रन फास्ट, दे बहुत सारे लोग हैं, दे डू, ठीक है। द मून, मून सिंगल है, सिंगल नाउन है, तो यहाँ आएगा डज, द मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट। डैश वी रीड द लेसन, क्योंकि वी बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ होगा डू, डू वी रीड द लेसन। फिफ्थ यू डैश नॉट हेल्प मी, अब देखिए यू हमने यहाँ बताया था, आई वी यू दे के साथ डू लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ पर डू आएगा, ठीक है।
डैश वी टेक रेस्ट, क्या हम रेस्ट ले लें, तो वी बहुत सारे लोग होंगे, एक से ज्यादा, आएगा डू, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा, डैश शी रन फास्ट, कमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स जरूर भरना है और कमेंट जरूर करना है, आपको कमेंट करने इंतजार रहेगा। साथ ही आप हमारे साथ इन तरह से जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे, ऐसे ही जुड़ते रहिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं बच्चों।